हेलो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के माध्यम से हम एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के आईआर स्पेक्ट्रम की हम व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पर हमने उसके जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं उसको हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन रूल के माध्यम से। यदि हम 0 से 1 करते हैं तो हमें पता है कि ओमेगा ई 1 माइनस 2 XE पर हमें जो लाइन प्राप्त होती है वो फंडामेंटल कहलाती है। उसके बाद यदि हम 0 से 2 पर यदि ट्रांजिशन लेते हैं तो वो इस फर्स्ट फंडामेंटल का ओवरटर्न कराती है, जो कि 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 XE पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो तीसरी हम देखेंगे तो वो फर्स्ट फंडामेंटल का सेकंड ओवरटर्न है, जो कि 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4 XE पर प्राप्त होता है। इसके बाद हमने कुछ अलग अलग जो और पीक्स प्राप्त होते हैं उनके बारे में विवेचना की थी, कि जैसे कि हॉट बैंड कॉम्बिनेशन, डिफरेंस, फर्मी रेजोनेंस। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब यदि मॉलिक्यूल को हम आईआर की एनर्जी यदि दे रहे हैं तो आईआर की एनर्जी देने पर क्या होता है कि आईआर की एनर्जी माइक्रोवेव की एनर्जी से ज़्यादा है। तो जब आईआर की एनर्जी माइक्रोवेव की एनर्जी से यदि ज़्यादा है तो निश्चित रूप से ही क्या होगा कि माइक्रोवेव की एनर्जी देने पर हमें पता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि कंपल वो घूर्णन होते हैं। तो जब घूर्णन होते हैं, अब हम यहाँ पर उसे आईआर की एनर्जी दे रहे हैं तो वो घूर्णन के साथ साथ क्या करेंगे, कंपन भी करेंगे। तो यहाँ पर हम कंपन गति करते हुए तंत्र की घूर्णन की गति को भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टोटल एनर्जी है उसे हमने व्यक्त किया है ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। जब भी कैपिटल ई में है यहाँ लिखा हुआ मिलेगा तो वो एनर्जी जूल में एक्सप्रेस की है, और जबकि स्मॉल ई से लिखा हुआ मिलेगा तो वो एनर्जी आपकी तरंग संख्या में परिवर्तित की हुई मिलेगी सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं हमारी तरंग संख्या में तो वो एनर्जी टोटल इज मेड अप ऑफ रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कि ई जे न्यू बराबर ई जे प्लस ई न्यू से। रोटेशनल एनर्जी इक्वेशन हमें पता है बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर होती है, और वाइब्रेशनल एनर्जी जो हमारी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की है वो न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर जो डिस्टोर्शन कॉफिशियंट वाला जो टर्म है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हमने हटा दिया और हमारे लिए डाईएटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर के लिए जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है बी जे जे प्लस वन प्लस न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, जहाँ पर हम जानते हैं कि जे घूर्णन क्वांटम संख्या है जो कि 0, 1, 2, 3 टू इनफाइनाइट, और न्यू जो है हमारी वो कंपन के घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4 चलेंगे। इस कंबाइंड वाइब्रेशन रोटेशन मोशन के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो सिलेक्शन रूल है हमारा डेल्टा न्यू ±1 ±2 वाइब्रेशन के केस के लिए, और डेल्टा जे ±1 है किसके लिए, घूर्णन के केस के लिए। हालांकि हम यहाँ पर हम डेल्टा न्यू ±1 को ही कंसिडर करते हुए चलेंगे। यदि हम एनर्जी लेवल्स को देखें न्यू 1 लेवल में न्यू 0 लेवल में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें पता है कि किसी एक कंपन के ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, बहुत सारे घूर्णन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर नीचे के न्यू 0 लेवल में हमने यहाँ पर बहुत सारे घूर्णन के ऊर्जा स्तर बना रखे हैं जिन्हें हमने जे डबल डैश से व्यक्त किया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 6। इसी प्रकार से ऊपर वाला जो वाइब्रेशनल लेवल न्यू 1 है उसके जो घूर्णन के ऊर्जा स्तर हैं उनको हमने व्यक्त किया जे डैश से, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमें पता ही है कि जैसे जैसे हम उच्च ऊर्जा की ओर जाते हैं तो दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये जो है
ऊर्जा स्तर घूर्णन के ये नीचे के कंपन ऊर्जा स्तर के हैं, और ये जो घूर्णन के ऊर्जा स्तर हैं ये ऊपर के ऊर्जा स्तर के हैं। यानी कि हमको यहाँ पर क्या देखना है, घूर्णन भी देखना है और हमको ये कंपन भी देखना है। यानी कि मान लीजिए कि एक अणु जिसकी की ऊर्जा ये है, ठीक है, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि एक अणु जिसकी ऊर्जा ये है, इसका मतलब वो लोअर यानी कि ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल के सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में उपस्थित है। यानी कि न्यू जीरो जे डबल एस टू में यदि उपस्थित है तो आईआर की एनर्जी यदि देवें हम उसे, तो प्योर आईआर एनर्जी स्पेक्ट्रम को यदि हम देखें तो वो यहाँ से क्या है, यहाँ से उसे जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस में, यहाँ पर। यदि वो इस जे डबल एस के दो से इस जे डेस के दो में गया तो डेल्टा जे जीरो, लेकिन डेल्टा न्यू वन माइनस जीरो डेल्टा न्यू प्लस वन, तो ये तो कहलाता है प्योर वाइब्रेशन। लेकिन यदि इस दो से तीन में चला गया तो वाइब्रेशन तो न्यू वन माइनस जीरो प्लस वन है ही। इस दो से तीन में जाते से ही अपर के तीन से लोअर के दो को यदि घटाएं तो डेल्टा जे प्लस वन, तो ये हो गया डेल्टा न्यू प्लस वन डेल्टा जे प्लस वन, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कहलाएगा वाइब्रेशन विद रोटेशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल के पास में इस न्यू जीरो लेवल में इतनी पॉसिबिलिटीज है रहने की और न्यू वन लेवल में इतनी पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने की। तो यदि न्यू जीरो से न्यू वन में ट्रांजिशन होता है, तो यदि न्यू जीरो जे डबल डेस के जीरो में उपस्थित है तो वो यहां से यहां से यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, डेल्टा न्यू तो प्लस वन फॉलो हो ही रहा है, लेकिन डेल्टा जे को चेक करना है हमें कि क्या डेल्टा जे जो है वो कितना हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या है हमारी, डेल्टा जे प्लस माइनस वन। इसका मतलब वो यहां यदि है तो वो यहां से क्या केवल वन में जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस तंत्र की यहां पर हम विवेचना करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं यहां पर डाई एटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। तो मान लीजिए कि एक संक्रमण हो रहा है न्यू जीरो से न्यू वन लेवल में, यानी कि डेल्टा न्यू प्लस वन है, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को हम घटाएंगे। एनर्जी अपर जेड एस लेवल से लोअर जेड एस डबल डेस लेवल, यानी कि अपर न्यू वन लेवल से लोअर जीरो लेवल। तो हमने क्या किया कि अपर का जो जे लेवल है उसको जेड एस से व्यक्त किया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर बी जेड एस प्लस वन प्लस न्यू बराबर वन है ही, तो वन प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस वन प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सी। ये हमारी फर्स्ट ये टर्म को कंप्लीट कर रहा है, ये जो पूरा टर्म है वो इसको एक्सप्रेस कर रहा है, माइनस ये माइनस लोअर जे डबल डेस ये लोअर जे डबल डेस बी जे डबल डेस प्लस वन प्लस, अब न्यू के लिए लिखना है तो जीरो है तो जीरो प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस जीरो प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सी, ये पूरा टर्म इसको एक्सप्रेस कर रहा है। हमें पता है कि बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के अनुसार ये जो दोनों एनर्जीज हैं, रोटेशनल हो या वाइब्रेशनल हो, एक दूसरे से पूर्णतया इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस की गई हैं। इसीलिए इसमें से यदि हम ये सब्ट्रैक्ट करें तो जब हमने प्योर वाइब्रेशन के केस में डेल्टा न्यू प्लस वन अप्लाई किया था तो हमें पता है कि हमें वहाँ पर डेल्टा न्यू प्लस वन अप्लाई करने पर, ये प्लस वन अप्लाई करने पर ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स सी पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। तो वही यहाँ पर हमें क्या होगा, ये हमने इसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, ये कन्वर्ट कर लिया बार ओमेगा ओ, यानी कि ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स सी में, यानी कि इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो हमको बार ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स सी पर यह प्राप्त होगा, जिसको कि हमने बार ओमेगा ओ से लिख दिया है। इसके लिए इसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है वो हमने इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया।
बी जे डैश माइनस जे डबल डैश जे डैश प्लस जे डबल डैश प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे अलग अलग कंडीशंस को। यहां पर यदि हम अप्लाई करते हैं डेल्टा जे प्लस 1 को इस फॉर्मूला में, तो डेल्टा जे प्लस 1 का मतलब क्या है कि जो हमारा ऊपर वाला लेवल है वो नीचे वाले लेवल से एक ज्यादा है। ये आप देखते हो वापस से, ये जो डेल्टा जे प्लस 1 कब होगा, जब यहां के 2 से ऊपर के 3 में जाएगा, तो जे डेस लेवल जो है वो जे डबल डेस से क्या है प्लस 1 है, ज्यादा है। तो जे डेस इज इक्वल टू जे डबल डेस प्लस 1, तो इसका मतलब जे डेस माइनस जे डबल डेस प्लस 1। तो आपने ये कंडीशंस को यहां रख लिया, तो जे डेस माइनस जे डबल डेस प्लस 1 है, तो ये सिंबल प्लस में रहा, और इस जे डेस की जगह पर आप जे डबल डेस प्लस 1 रखोगे तो एक और जे डबल डेस प्लस 1 आ गया, तो 2 जे डबल डेस का मतलब 2 जे डबल डेस, और प्लस वन यानी कि 2 जे डबल डेस प्लस 2, तो 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया जे डबल डेस प्लस 1। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, बार ओमेगा हो, यानी कि ये प्लस 2b जे डबल डेस प्लस 1। चूंकि जे डबल डेस से ट्रांजिशन हम ले रहे हैं तो हम क्या मानेंगे 0 1 2, यहां पर हम जे डबल डेस के लिए व्यक्त करेंगे। अब हम यदि डेल्टा जे माइनस 1 की बात करें कि डेल्टा जे माइनस 1 कैसे होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाला लेवल है वो ऊपर वाले लेवल से क्या है एक ज्यादा है, यानी कि ऊपर वाला लेवल यदि जे डेस 2 है तो नीचे वाला लेवल जो है 3 है, तभी तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1, तो इसलिए यहां पर जे डेस माइनस जे डबल डेस बराबर माइनस 1। तो यहां पर ये माइनस होने से ये सिंबल क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, और जे डबल डेस की जगह पर अब आप रख दोगे जे डेस प्लस 1, अगेन 2 जे डब डेस प्लस 2 बनेगा, तो वो 2 कॉमन आ गया, तो ये माइनस में आ गया। अब यहां पर जे डेस 0 1 2 क्यों, क्योंकि नीचे के जे डबल डेस के 1 से ऊपर के 0 में जा सकता है, इसलिए ये 0 हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लिखे हैं, तो डेल्टा इज ए न्यू बराबर बार न्यू स्पेक्ट्रल, जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगी हमें वो क्या प्राप्त होगी, इस बार ओमेगा ओ, इस बार ओमेगा ओ के प्लस और माइनस, प्लस माइनस ये यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2bm, m यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसके लिए m j डबल डेस प्लस 1 फॉर डेल्टा j प्लस 1, m j डेस प्लस 1 फॉर डेल्टा j माइनस 1। हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें डिस्कस करें, मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, अब हमने यहाँ पर ये लोअर न्यू 0 लेवल बना रखा है और ये अपर न्यू 1 लेवल बना रखा है, ये इसके रोटेशनल लेवल्स हैं और ये ऊपर वाले के रोटेशनल लेवल्स हैं। यदि हम डेल्टा जे प्लस 1 को देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस 1 का मतलब 0 से ऊपर के 1 में जाए, 4 से ये 5 में जाए, इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 1 कब होगा, जब 5 से ये 4 में जाए, तो 4 माइनस 5 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बार ओमेगा ओ है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि जहां से संक्रमण हो रहा है ये 1 से हो रहा है ना, 1 से 0 तो हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको लिखा है P1। इसी प्रकार से यदि आप देखो तो ये 5 से 4 में गया, तो हमने यहाँ इसको लिखा है 5 P5। इसी प्रकार से यहां पर हमने लिखा है क्या, इसको 0 से हो रहा है तो 0, तो ये जो ब्रांच कहलाती है ये वाली इधर वाली, ये कहलाती है आर ब्रांच, और ये जो ब्रांच है ये कहलाती है हमारी पी ब्रांच। अब आप यहां देख सकते हो कि डेल्टा जे कैन नॉट बी 0 बाय द सिलेक्शन रूल, यानी कि चयन के नियम के अनुसार डेल्टा जे जो है वो 0 नहीं है। तो इसी कारण से जो लाइन है बार ओमेगा ओ पर, जिसको कि बेंट ओरिजिन कहा गया, यदि डेल्टा जे 0 होता तो निश्चित रूप से ही क्या होता, ये 0 से 0 का मतलब आपको यहां पर कोई भी ट्रांजिशन इस रोटेशनल लेवल्स की वजह से नजर नहीं आता, और केवल यही होता। तो जब डेल्टा जे 0 नहीं है, इसीलिए जो बेंट ओरिजिन जिसको कि बार ओमेगा ओ को कहा गया वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा, और इसीलिए उस बेंड ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि कम आवृत्ति पर और राइट हैंड साइड पर यानी कि अधिक आवृत्ति पर ही हमको बंचेज ऑफ लाइंस प्राप्त होती हैं, समूह प्राप्त होता है रेखाओं का,
जो लो फ्रिक्वेंसी साइट पर बंच प्राप्त होता है वो डेल्टा जे माइनस वन से रिलेटेड होता है, और जो हायर फ्रिक्वेंसी साइट की ओर प्राप्त हो रहा है वो डेल्टा जे प्लस वन को इंगित करता है। तो जो बंचेज ऑफ लाइन्स ड्यू टू डेल्टा जे माइनस वन आ रही है उसे हम पी ब्रांच कहते हैं, और डेल्टा जे प्लस वन की वजह से जो ब्रांच आ रही है उसे हम आर ब्रांच कहते हैं। यदि हम इसी प्रकार से डेल्टा जे प्लस माइनस टू का केस हो तो उस स्थिति में जो माइनस टू से प्राप्त होने वाला बंच है उसे हम ओ ब्रांच कहेंगे, और प्लस टू से प्राप्त होने वाला जो बंच है उसे हम एस ब्रांच कहेंगे। तो इस प्रकार से हम एक सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कंपन के साथ साथ होने वाले घूर्णन स्पेक्ट्रम की भी हम व्याख्या कर सकते हैं। यदि हम इसी स्पेक्ट्रम में डिस्टोर्शन कॉफिशियंट को भी इंक्लूड यदि हम कर लें तो हमें पता है कि वो -4d J+1 होल क्यूब के तौर पर आया करता था। तो जो रेखाएं यहाँ पर प्राप्त हो रही है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो पूरा डिस्कशन है ये हमारा सिंपल एक रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि एनहार्मोनिक के तौर पर बिहेव करता है, और उसमें हमने घूर्णन के साथ साथ कंपन की भी हमने यहाँ पर विवेचना करी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो आईआर स्पेक्ट्रम है उस आईआर स्पेक्ट्रम का जो प्रैक्टिकल यूज है, यानी कि जो रियल लाइफ के अंदर जो हमारा उसका जो यूज है, उसका जो उपयोग है, जो कि हमारे कार्बनिक यौगिकों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, उसकी किस प्रकार से विवेचना की जाती है उसके बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। थैंक यू।